अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां दीपावली का त्योहार बीतते ही लोगों के स्वाद में हरी भरी मटर का जायका जुड़ जाता है, लेकिन अभी आवक कम होने से मटर हरी की जगह लाल हो रही है। मतलब सब्जी मंडी में मटर के दाम खोया को फेल कर रहे हैं। सब्जी मंडी में एक किलो मटर 200 से 240 रुपए में बिक रही है। मटर को अभी बाजार में आए 5 से 6 ही दिन हुए हैं। मंडी की नब्ज समझने वालों की माने तो अभी अंचल की मटर की आवक नहीं हो रही है, इसलिए शिमला से मटर आ रही है। यही कारण है कि मटर भाड़ा जुड़ने के बाद उसकी कीमत आसमान छू रही है। 4 से 5 दिन पहले यही मटर 300 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे और अंचल के डबरा, चिनोर, पनिहार, बिल्ट से मटर की आवक शुरू हो जाएगी तो मंडी में मटर के दाम गिरते चले जाएंगे। छत्री मंडी सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले राजीव और शाहरुख का कहना है कि अभी स्थानीय खेतों की मटर मंडी में नहीं आ रही है। अभी मटर को पकाने में करीब 35 से 40 दिन लगेंगे। कुछ जगह से दिसंबर के पहले सप्ताह तक मटर आने लगेगी। अभी शिमला की मटर ग्वालियर की मंडी में आ रही है। मटर वैसे ही सीजन की शुरुआत के दौर में है, साथ ही शिमला से ग्वालियर की मंडी तक आने में लगने वाला भाड़ा उसे और अधिक महंगा कर देता है। अभी शिमला की मटर जो बाजार में है उसकी कीमत 200 रुपए से 240 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जैसे जैसे स्थानीय मंडी से आवक शुरू हो जाएगी तो यह मटर के दाम तेजी से नीचे गिरने लगेंगे। मटर को मार्केट में आए भी 6 से 7 दिन हुए हैं। दीपावली पर यह मटर 300 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही थी। मतलब दीपावली पर खोया बाजार में 270 से 280 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा था, लेकिन मटर उस पर भारी पड़ रही थी। पर 6 दिन में वही मटर 300 से उतरकर 220 से 240 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। कृषि के जानकार राम सिंह तोमर ने बताया कि मटर को पकने में 50 से 55 दिन लगते हैं। अभी मटर बोई जा रही है, इसको पकने में समय लगेगा। अभी जो मटर बोई जा रही है वह दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक आ जाएगी, उसके बाद ही मटर की कीमत गिरेगी। अभी हुई बारिश के कारण मटर को बोने में 8 से 10 दिन की देरी हुई है, वरना नवंबर के आखिरी सप्ताह तक स्थानीय मंडी की मटर आ सकती थी। बारिश से आवक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आगे मौसम पर निर्भर करेगा कि कितनी पैदावार होती है। मटर का क्या भाव, क्या कारण है अभी जो महंगी चल रही है? मटर का भाव अभी तो सर 200 रुपए किलो है, और आने महंगी का कारण तो यही है कि यहाँ से आवक है वहाँ से भाई महंगी है, किराया वाला जी आ रही है सर। शिमला की मटर आ रही है। अच्छा, मटर तो थोड़ी महंगी होगी स्टार्टिंग, इसलिए महंगी होगी कि जब अपने टाइम पर आ जाएगी, सीजन पर जब यहाँ की लोकल आएगी तब सस्ती हो जाएगी। अभी लगभग 200 रुपये भाव चल रहा है, इसी कारण बाहर की है मटर।